गाइस देखना कैसे ये दोनों लाइन में खड़े हो गए। Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Amitral Vlogs. Hopefully, आप सब होंगे बढ़िया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं उठ के नहा लिया था, तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। So, ब्रेकफास्ट में मेरे को मिले हैं परोठे और दही। बाहर तो तगड़े वाला मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। अभी बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर से पीछे के घर जा रहा हूँ थोड़ी देर। मतलब अभी बाहर नहीं जा सकते यार कोरोना में, तो मैं उनके घर चला जाता हूँ, उनका घर मेरे बिल्कुल पास में है। पूरी ठंडी हवाएं चल रही है भाई यहाँ पे। तो गाइस आज ये गलती से उठ गया, देख लो ये वैसे उठता नहीं, सुबह 12 बजे तक। अजीब जानवर है। और आज हमारी ड्रामा क्वीन दीदी भी आए हुए हैं। हेलो दीदी, दीदी हेलो, मुंह क्या छुपा रहे हो? गाइस आज फिर से बन रहे हैं मूली के पराठे और गोभी के पराठे। यहाँ पे आंटी जी की साजिश चल रही है, आंटी जी हमारे पेट में गैस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर हम बाद में परोठे ना खाएं और हमें रोटियां खानी पड़े। तो आंटी जी का पूरा मास्टर माइंड चलता है, आप समझ पा रहे हैं? तो कमेंट में जरूर बताना इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है। और साथ में मेरे भाभी जी भी आज, भाभी जी हेलो बोलना। हाँ देख लो, हेलो बोल दिया, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई, हेलो बोला है, ऐसे कोई हेलो नहीं बोलता कुछ भी। ऐसा भाभी जी और तो जा रहे अपने घर पे लड्डू को लेकर। लड्डू कहाँ है? अच्छा डोलसी के हाथ में लड्डू, लड्डू कहाँ है? लड्डू का हेलो बोल दो भाई सारे। सो गाइस अब मैं पीयूष के घर से तो वापस आ गया था, अब मेरे को जाना है एक बार बाजार और देखना स्टफी क्या कर रहा है। भाई साहब मेरे सामने मेरे टायर पे मूत के चला गया और इसकी घरवाली रूबी इसको देख रही है, इसने कुछ नहीं कहा, कुछ तो बोल बोल रूबी। रूबी भी बेइज्जती करके चली गई यार, रूबी। गाइस देखना कैसे ये दोनों लाइन में खड़े हो गए, हमने कुछ नहीं कहा इनको, भैया गए हुए हैं, भैया इसको घुमा रहे थे, बट भैया पता नहीं कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे भैया। सो गाइस अब मैं बाजार आया था ये जीरा लेमन पीने, बट यार बहुत ही खतरनाक है, पी नहीं जा रही, बहुत तेज है। एक्चुअली गाइस मैं जीरा लेमन इसलिए पीने गया था क्योंकि मेरी दोनों किडनीज में स्टोन है, एक में 5 mm का और एक में 4 mm का। तो उसमें ना वो मेडिसिन मिला के देते हैं, उससे अंदर ही वो थ्रेश मतलब टूट जाती है और ठीक हो जाती है। अब मैं घर आ गया हूँ, अब फटाफट से मेरे को एक बार ईशान के घर जाना है, मेरे दोस्त के घर, वहां जाके आता हूँ। गाइस अब दोस्त के घर जाके मैं दोबारा पीयूष के घर आ गया, आंटी भी कहेंगे रोज रोज आ जाते हैं, सारा दिन पूरे दिन यही बैठा रहता है ना आंटी जी। हाय गाइस, यही कहोगे पूरे दिन यही बैठा रहता है, ढीठ सना हो तो। बिल्कुल भी नहीं कहते आंटी जी, शी इज लाइक माय मदर, है ना। हाँ अंकल जी अब कैसे हो आप कैसे हो? अंकल जी का माइनर सा ऑपरेशन हुआ था, अब अंकल जी ठीक है एकदम। मेरे भी किडनी में स्टोन है, अंकल जी का भी ऑपरेशन हुआ है, आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, सो सावधान रहे, सतर्क रहे और बच के रहे। कुछ भी। वैसे गाइस एक बात है यार, अब कोरोना फैल रहा है ना, तो घर पे पड़े पड़े बोर हो जाते पूरा दिन, और मे भी आगे है ना इलेक्शन खत्म होते ही देख लेना भाई साहब, 3-4 महीने का लॉकडाउन तो लगेगा शायद, है ना, लग जाएगा आराम से लग जाएगा लॉकडाउन, क्योंकि लग जाएगा यार अब कोरोना फैल रहा है तो। बाकी अब घर पे पड़े पड़े इतना बुरा जाते हैं ना, इतना बुरा जाते हैं। और वैसे एक चीज देखो पीयूष की फोटो पीछे कितनी मस्त आई हुई है ना, इसकी मीम यूज हो सकती है, मीम्स में यूज हो सकती है, मैं बैक कैमरा से गाइस इसकी मीम यूज हो सकती है, इसकी स्माइल देखो। मैं गाइस यहाँ पे किसी भी टाइम पूरे दिन आ जाता हूँ, कभी भी आ जाता हूँ। अभी आंटी आज क्या बना रहे हो आंटी जी? दाल साबत मूंग दाल, अगर किसी ने ना खाई हो जिंदगी में तो यहाँ पे साबत मूंग दाल मिलती है, खाने आ सकते हो, पर प्लेट 2500 रुपए, सही है ना प्राइस? 2500 रुपए एकदम सही है भाई, देख मैंने जायज लगाया एकदम। हाँ कोई नहीं खाएगा, फिर सब खाएंगे। अब वैसे 8:30 हो गए आंटी जी, मैं घर जा रहा हूँ, लेट हो गया। बारिश आ जाएगी, अभी आई तो नहीं, आ जाएगी, आने वाली है। हाँ आने वाली है, बस मैंने अभी फोन किया, हेलो बारिश। अच्छा अभी फोन किया था, बारिश आ जाएगी अब। क्या कह रहे हो आप? रोन की मुंडा है। अच्छा रोन की मुंडा आंटी जी पंजाबी मेरे को कह रहे हैं, ताई जी मेरे को पंजाबी में कह रहे हैं रोन की मुंडा है गाए। कोई नहीं, मैं रोन की हुई क्या करूं भाई, रोन की बंदे भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। सो गाइस अब मैं पीयूष के घर से तो वापस आ गया, एंड अब मम्मी बना रही है डिनर में बन रहे क्या बन रहे
रोटी और शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है फिलहाल। वैसे तो मैं पापा के लिए एक स्पेशल कॉफी बना रहा था थोड़ी सी, सो होपफुली आज की वीडियो में आया आपको मजा। अगर वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।